नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां हुई पूरी, चारों तरफ लगाए गए बैरिकेड्स। 8वीं विधानसभा के नामांकन के लिए अलग अलग बनाए गए हैं कक्ष। शुक्रवार से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। विधानसभा चुनाव 2018 की नामांकन प्रक्रिया 2 नवंबर शुक्रवार से शुरू हो जाएगी, जो 9 नवंबर तक चलेगी। नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय को जाने वाले सभी रास्तों में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिसके बाद कलेक्ट्रेट में बेधड़क एंट्री बंद हो जाएगी। सभी रास्तों को बांस बल्ली लगाकर बंद कर दिया गया है। अब अंदर वही जाएंगे जो पास दिखाएंगे। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, किसी जमाने पर यहाँ कलेक्टर बैठा था। नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन बनने के बाद यहाँ पर 2018 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर नामांकन की सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। मेरे पीछे जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, कक्ष क्रमांक 8, यहाँ पर रीवा विधानसभा के प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। कक्ष क्रमांक 7 में गुड़ विधानसभा के, इसी तरीके से एक एक करके क्रमशः सारे विधानसभा के लोग अपना पर्चा दाखिल करेंगे। पर्चा दाखिला 2 तारीख से चालू हो जाएगा। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी बन्नू के साथ। पुराने कलेक्ट्रेट भवन में नामांकन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है। 8वीं विधानसभा के लिए 8 अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें नामांकन की प्रक्रिया होगी। कक्ष क्रमांक 1 में सिरमौर विधानसभा के प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म भरवाया जाएगा, जबकि कक्ष क्रमांक 2 में सिमरिया, कक्ष क्रमांक 3 में त्योथर, कक्ष क्रमांक 4 में मऊगंज, कक्ष क्रमांक 5 में देवतला, कक्ष क्रमांक 6 में मनगवा, कक्ष क्रमांक 7 में गुड़ और कक्ष क्रमांक 8 में रीवा विधानसभा के प्रत्याशियों के फॉर्म भरवाए जाएंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक प्रत्याशी अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर परिधि के बाहर अधिकतम 3 वाहनों को अनुमति मिलेगी। 100 मीटर की परिधि के भीतर अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। सामान्य व अन्य प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 10,000 रखी गई है, जबकि SC ST के लिए जमानत राशि 5,000 रुपये रखी गई है।